हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बघारे बैगन, जिसके लिए यहाँ मैंने छोटे छोटे बैगन लिया है, छोटी साइज़ के। और इसको हमें पानी में भिगोना है। यहाँ सबसे पहले मैंने पानी लिया एक बाउल में, और उसमें एक स्पून एक टेबल टी स्पून के अकॉर्डिंग नमक डाला है। इसमें नमक ऐड है। और अभी हम बैगन को काट कर इस तरह से बारीक, सबसे पहले साइड का हिस्सा निकालें और इसको चार भाग में इस तरह कट लगाएं, नीचे तक पूरा ना कट करें, कट लगाएं और इसको इस नमक के पानी में डुबो दें। इसको 15 से 20 मिनट रखना रहेगा। सारे बैगन हम इसी तरह से काट करके इसको यहाँ पर नमक के पानी में डुबो दें। आधा घंटा मैं सारे बैगन को रख लूँगी। ये मैंने सारे बैगन काट के भिगो दिया है। आप खुद ही थोड़ी देर बाद देख सकेंगे कि इसको भिगाने से इसका क्या रिजल्ट होता है। नेक्स्ट थोड़ी सी इमली भिगा दी, और साथ में ये है खशखश, जिसे भूनकर आधे से एक घंटे तक भिगा दें, तक जब ये पीसेंगे, जब इसका पेस्ट बनाएंगे तो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। इस तरह हमने ये सारा मटेरियल रेडी किया है। हम आधे घंटे का वेट करते हैं इसे भिगाने के बाद, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस पर चलेंगे। ये देखिए, ये बैगन, थोड़ा सा पानी, इसको भिगाने से क्या होता है कि इसके अंदर कुछ लोग समझते हैं कि थोड़ा कड़वापन है, तो इसको भिगाने से इसका जितना भी कुछ अगर होगा कड़वापन तो निकल जाता है। उससे समझ में आता है कि पानी थोड़ा रेडिश हो जाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा सा हल्का रेड हो चुका है। तो अब हम बैगन को फ्राई करेंगे। उसके लिए जो हमने काटा है बैगन, उसमें थोड़ा थोड़ा नमक डाल के थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड किया है इसके भाग में। ये जो हमने चार चीरा किया था, इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करें और इसको फ्राई करें। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने जो ऑयल लिया है, वो उतना पकाने के लिए जितना चाहिए आपको सब्ज़ी बनाने के लिए, उतना ही ऑयल इसमें रहेगा। मतलब 3 बड़े स्पून मैंने लिया है, उसी में ये हम फ्राई करेंगे। सारे बैगन ऐसे ही फ्राई करना है। यहाँ मैंने सारे बैगन यहाँ डाल दिया है। इसको फ्राई करें। ये रेड होने लगता है, इसलिए यहाँ पे रेड हुआ है ये वाला, मतलब ये पार्ट ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। सारे बैगन में मैंने नमक थोड़ा सा ऐड किया था। आइए यहाँ देखते हैं हमें क्या क्या मसाले की जरूरत पड़ेगी। 1.5 टी स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा करी पत्ता, ये हमारा खशखश का पेस्ट है। एक गरम मसाला 1 छोटा स्पून, जीरा पाउडर 1 छोटा स्पून, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 से 3 लाल मिर्च, और इमली का पेस्ट 3 स्पून के करीब होगा, छोटे स्पून के करीब। और आपको ये भी बता दूँ कि देखिए, बैगन का पानी थोड़ा रेडिश दिख रहा है, तो फेंक देना है। हम यहाँ चलते हैं, ये फ्राई हो चुका है, इनको पीसेस को पहले अलग कर लेंगे। ये जो ऑयल है, इसी में हमें पकाना है। फ्लेम को एकदम मीडियम कर दें, लो कर दें। सबसे पहले डालें लहसुन अदरक का पेस्ट, दो मिनट के बाद इसमें ऐड करिए हरी मिर्च,
लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, इसे अच्छे से हिलाइए। एक मिनट के बाद थोड़ा ये लाइट ब्राउन हो जाए मसाला, लाइट ब्राउन हो गया है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालिए, दो तेजपान, साथ में डालिए लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर, इसे मिक्स करें और इसमें ऐड करें सिर्फ आधा कप के करीब पानी। पानी ऐड करने के बाद डालिए इसमें खसखस का पेस्ट, गरम मसाला और जीरा पाउडर ऐड करें। इसको अच्छे से 2 मिनट तक पकाएं। इसमें और आधा कप पानी डालकर इसे हिलाएं और इसे लो फ्लेम पर ढककर बनाएं, ढककर पकाएं 5 मिनट। ये मसाला रेडी हो चुका है आप, और देखिए इसमें लहर आना चाहिए ऑयल की, और ये यहाँ पर आई है। इससे ये समझ में आता है कि मसाला हमारा पूरी तरह रेडी हो गया है। अब इसमें ऐड कर दें आपके फ्राई किए हुए बैंगन, फ्लेम हमारी लो है, इसको अच्छे से हिलाइए। अगर पानी पूरा सूख गया है तो आप आधा कप पानी ऐड कर सकते हैं, और साथ में इमली का जो पानी आपने बनाया था वो भी ऐड कर दीजिए। इसे हिलाइए और इसको बैंगन की ये ऊपर की लहर, ऊपर का सरफेस गल जाना चाहिए, बैंगन गलना चाहिए, इस तरह से हमको पकाना है। थोड़ी देर इसे पकाएं 5 मिनट ढककर। यह हमारा बैंगन अच्छी तरह से गल गया है, हमने गैस को ऑफ किया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। यह हो गया हमारा पकारा बैंगन तैयार। इस पर आप ऐड कर दें हरा धनिया, और ये बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस होता है, बहुत मज़ेदार खाने में। आप इसे चपाती से या ज़ीरा राइस से या बॉयल राइस के साथ किसी भी तरह से इसका टेस्ट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।